हेलो फ्रेंड्स, हम सब लोग चाहते हैं हमारा इनकम कैसे अच्छे हो। एग्री बिजनेस एक ऐसा वे है जिसमें हमारा इनकम अच्छा हो सकता है। आइए जानते हैं ये एग्री बिजनेस क्या है और हमारे यहाँ एग्री बिजनेस का क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पहले जानना है एग्री बिजनेस क्या है। एग्री बिजनेस दो शब्द से आया है, एग्रीकल्चर और बिजनेस। जो बिजनेस एग्रीकल्चर रिलेटेड है वो फार्मिंग से जुड़ा हो, क्रॉप रिसर्च से जुड़े हो और एग्री टूरिज्म से हो, वो एक मिला के एग्री बिजनेस कहते हैं। पूरा विश्व में अभी 7 मेजर एरिया में एग्री बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे फूड एनालॉग, फूड फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, AI बेस्ड सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ऑल्टरनेटिव फूड, SUP ऑल्टरनेटिव एंड इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव। एग्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जानने के पहले कुछ सक्सेस स्टोरी के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। एग्री बिजनेस में सबसे इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी हुआ है जोबा की नाम एक कंपनी से। ये कंपनी का पूरा नाम है जोबा की एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये राजस्थान पे ट्राइबल लेडी से जंगल से सीताफल, जामुन और आंवला को कलेक्ट करते हैं, उसको फ्रोजन करते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं और जो मुनाफा मिलता है एक सर्टेन परसेंट ट्राइबल लेडी को दे देते हैं, जिससे उनका लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट होता है और साथ साथ कंपनी को भी मुनाफा मिलता है। एक अनोखा सक्सेस स्टोरी है सिरका। याचिका चोपड़ा एक नया बिजनेस शुरू किया जहां जितना ट्रेडिशनल पिकल है उसको मॉडर्न वे ऑफ पैकेजिंग यूज किया और ये अच्छा एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन गए। सिमिलरली एग्री फीडर कंपनी एक नया एग्री बिजनेस बिहार में आया था। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब लॉकडाउन हुआ था इस फाउंडर को जॉब चला गया था। वो जब गांव में आया तो वो सोचा जब गांव का किसान से लेमन ग्रास का खेती करवाया और वो लेमन ग्रास का अच्छा से पैकेजिंग करके सेल किया तो अच्छा मुनाफा कमाया। बाद में ये कंपनी वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट लेके मार्केट में आया और अभी एक बहुत अच्छा एग्री बिजनेस कंपनी बन गए। और एक इंपॉर्टेंट एग्री बिजनेस है सप्तो कृषि, जो सब्जी कोठी नाम से एक छोटा IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसके माध्यम से सब्जी को बहुत दिन तक ताजा रख सकते हैं। कीर्तिपिया का स्टोरी था अनोखा। वो जब अपना कॉलेज लाइफ में हॉस्टल में रहती थी उसको मम्मी घर का अच्छा सब्जी को सूखा के उसके पास भेज देता था। उसी से उनको एक अच्छा आइडिया आया। वो एक नया कंपनी खोला जिसका नाम दिया है को, और उसमें बहुत तरह वेजिटेबल्स को ड्राई करके सूखा वेजिटेबल पाउडर बेचते हैं। आज वन ऑफ द हाई अर्निंग एग्री स्टार्टअप है को। निंजा कट साउथ इंडिया में B2B मॉडल लेके शुरू किया और ये डायरेक्ट फार्मर से फ्रेश वेजिटेबल्स, अदर एग्रो कमोडिटी लेते हैं और वो रिटेलर को देते हैं। अभी इसका अच्छा मुनाफा है और ये पूरा इंडिया में धीरे धीरे फैल रहा है। अभी भी आप लोग गांव में जाएंगे देखेंगे गुड क्वालिटी सीड्स फर्टिलाइजर किसानों को नहीं मिलता है। इसको देखते हुए एग्रोस्टार नाम के एक कंपनी शुरू किया जो गुड क्वालिटी एग्रो इनपुट जैसे सीड फर्टिलाइजर ऑनलाइन में देते हैं और रियल टाइम क्रॉप एडवाइजरी देते हैं, जैसे कब बारिश हो सकते हैं, कब ज्यादा ठंडा पड़ेगा, उसमें क्या करना है, कौन सा बीमारी हो सकता है, उसका प्रतिरोध कैसे करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स फार्मर्स को जानकारी देते हैं। आप लोग जानते हैं एग्रीकल्चर मशीनरी बहुत कॉस्टली होता है, हर फार्मर उसको अपना नहीं पाते।
इसी को मद्देनजर रखते हुए EM3 कंपनी एक एग्री मशीनरी रेंटल कंपनी खुले है, जिसका काम है बड़े एग्रीकल्चर मशीनरी को रेंट में छोटा किसानों को देना। तो इसमें फायदा क्या होता है, फार्मर्स भी कम खर्च में अच्छा चीज बना पा रहे हैं, साथ साथ एक कंपनी को भी फायदा हो रहा है। बिहार में एग्री बिजनेस का बहुत अच्छा पोटेंशियलिटी है। बिहार में बहुत सारा फ्रूट क्रॉप्स होता है, जैसे केला हो गया, आपको आम होगा, लीची होगा। ये बड़ा पेड़ होने के वजह से इसमें स्प्रे करना बहुत दिक्कत होता है। उसमें अगर ड्रोन से स्प्रे किया जाए बहुत आसानी से स्प्रे हो सकता है, लेकिन हर किसान के पास ड्रोन खरीदने का पैसा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन आए जो ड्रोन को रेंट पे दे, उनको भी प्रॉफिट हो सकते हैं और किसान लो कॉस्ट में अच्छा स्प्रेइंग भी कर सकते हैं। कृषि रोड मैप में बिहार में अभी एक्सपोर्ट का ज्यादा प्राधान्य दिया है। अभी एक छोटा किसान एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो उसको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, ना उसके पास पैकिंग हाउस है, ना उसके पास ट्रांसपोर्ट के बारे में नॉलेज है। अगर आप इस तरह से एक बिजनेस खोलते हैं जहां आप किसान को एक्सपोर्ट में मदद करेंगे, कैसे, जैसे आप पैकेजिंग में मदद कर सकते हैं, टर्मिनल जो पोर्ट होता है उसमें लैंडिंग, फिर पैकेजिंग, इसमें मदद कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में मदद कर सकते हैं, तो इसी तरह आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बिहार में खास करके दियारा रीजन में बहुत वेजिटेबल्स होता है जिसका हाई एक्सपोर्ट वैल्यू है, बट लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी के वजह से यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो पा रहा है। आप इसका अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। सिमिलरली पोस्ट हार्वेस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे मान लीजिए हमारा देश में क्या है, बनाना, मैंगो, पपाया, ये सब पकते हैं, तो ये पकने के लिए हम लोग एक केमिकल यूज करते हैं, जैसे इथिलीन। तो ये राइपनिंग चेम्बर बनाना बहुत कॉस्टली है। अगर कोई फार्मर्स के लिए ये आप चेम्बर बना देंगे और रेंट पे देंगे तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट फार्मर्स के लिए फैसिलिटेटेड होगा। और पैकेजिंग मटेरियल, मान लीजिए अब बहुत अच्छा पैकेजिंग सिस्टम बना देंगे, लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन अगर आप देंगे तो फार्मर्स आपसे ये सॉल्यूशन लेंगे और उनका इनकम भी बढ़ेगा। सिमिलरली मशरूम बिहार में जो होता है, इसमें मेजर जो प्रॉब्लम है सप्लाई चेन सही से नहीं है। बहुत समय क्या प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम अगर कोई सपोर्ट करे उनको बिजनेस सक्सेस। फ्लोरल प्लांटर्स लाइब्रेरी बिहार के लिए बहुत सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है। यहाँ सिटी में लोग फ्लावर का पॉट ढूंढते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी जिसमें किताब के जगह में 1000 फूल का पौधा का पॉट है। मैं एक कस्टमर हूँ, मैं साल भर के 2000 का एक कूपन कटा लिया, उसमें क्या होगा, मुझे साल भर के 2 पॉट का पौधा हमारा घर में मिलेगा। तो मैं कैसे रन होगा, मैं जाऊंगा एक पॉट 2 पॉट उठा के लाएंगे, जब फूल खत्म होगा फिर उसको लौटा के दूसरा पॉट लाएंगे। सो इस तरह से फ्लोरल प्लांटर लाइब्रेरी आप बना सकते हैं। इसमें खास करके पटना में बहुत पॉसिबिलिटीज है। आप लोग देखे होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहां आप सामान मंगा सकते हैं। सिमिलरली सिटी में बहुत सारा लोग है जो फूल का पौधा ग्रो करते हैं, उनको चाहिए बना बना हुआ पौधा। तो आप ऐसा ऐप बना सकते हैं जहां आपका कंपनी के नाम से रजिस्टर रहेगा, आपके साथ कौन कौन कॉन्टेक्ट रहेगा, एक रहेगा फ्लावर रिटेलर, एक होगा इनपुट सप्लायर और एक होगा वेरीफाइड माली। तो एमएचआर ग्रोअर को क्या चाहिए, कभी माली का जरूरत पड़ेगा, कभी इनपुट सप्लाई का जरूरत पड़ेगा, कभी कभी फ्लावर का पॉट। तो आप ऐप के माध्यम से ये मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये बड़े सिटी में पॉसिबल है। सिमिलरली हाइपर लोकल सप्लाई ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत अच्छा स्कोप है, पार्टिकुलर यहाँ जहाँ टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ इसका बहुत अच्छा मार्केट है। पार्टिकुलर मान लीजिए गया जहाँ बुद्धिस्ट लोग आते हैं, यहाँ बुद्धिस्ट लोग जो वेजिटेबल पसंद करते हैं वहां अगर ये बिजनेस कर पाएंगे आपको प्रॉफिट हो सकता है। बिहार में बहुत सारा लोकल प्रोडक्ट है, जैसे
तिलकुट होता है, तिल्लोरी होता है, शाही लीची बहुत सारा है। तो ये चीज पूरा दुनिया में अभी बिहारी लोग है। तो अगर आप साल पूरा दुनिया में आप लोकल चीज को सप्लाई कर सकते हैं, ये आपको अच्छा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये छोड़ के आपको डिफरेंट स्पेशलिटी एग, न्यूट्रिशियल फार्मिंग, ए टू मिल्क, बहुत सारा चीज एग्री बिजनेस में पॉसिबल है। आप सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी खोल सकते हैं, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, मशरूम कल्टीवेशन, एक्जोटिक वेजिटेबल्स, हाइड्रोपोनिक्स, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मेडिसिनल प्लांट आजकल डिमांड बड़ा है कोविड के पास, तो आप मेडिसिनल प्लांट का भी खेती करके आप एग्री बिजनेस कर सकते हैं। आजकल माइक्रोग्रीन टेक्नोलॉजी का बहुत डिमांड बड़ा है, ये भी आप कर सकते हैं। और ये छोड़ के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, वर्मी कंपोस्ट मेकिंग, इसका बहुत अच्छा स्कोप है। नर्सरी बिजनेस, स्पाइस प्रोसेसिंग, मेडिसिनल प्लांट प्रोडक्शन जो अभी पहले बताया, वेकेशन प्लांट फूड, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। बिहार में प्रोडक्ट बहुत सारा है बट फूड प्रोसेसिंग का कमी है, तो फूड प्रोसेसिंग भी एक एग्री बिजनेस हो सकता है जहां आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक इतना। अगर आपको ये हमारा इंफॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगे, जरूर इसको देखना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना।